बैक आफ्टर द ब्रेक। कई दफा हम अपने मईशत से रिलेटेड मसाइल में इतने बिजी होते हैं कि दुनिया भर में नजर नहीं डालते, और जिस तरह के अकवाम आलम के मसाइल आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमीज आगे बढ़ रही हैं, ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस डायरेक्टली। वेरीना दोस्त जी, पाकिस्तान और बरतानिया की यानी अगर हम सफारती ताल्लुक की बात करें तो 75 years ऑफ वेरी वेरी स्ट्रांग रिलेशन, इस पर जरा बात करते हुए इस वक्त नजर डालते हैं बरतानिया की मौजूदा सूरत हाल पे। इट इज वेरी अलार्मिंग कि अगर हम 1709, जिसको ग्रेट फ्रॉस्ट के नाम से जाना जाता है यूके की हिस्ट्री में, उससे बड़ा इस वक्त कंपेरेबल मईशत में स्लो डाउन आया है। 11% तक बरतानिया की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी स्लो डाउन की है, श्रिंक हो गई है। और इस वक्त अगर डॉलर के मुकाबले में देखा जाए तो जो पाउंड स्टर्लिंग है वो अपनी लोएस्ट सतह पर है, यानी हम सिर्फ और सिर्फ रुपए की बात करते रहते हैं। इस वक्त सूरत हाल तकरीबन कंपेरेबल है बरतानिया में, बल्कि ज्यादा पेचीदा है क्योंकि वहां पे भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, इकोनॉमिक मसाइल उनके सामने है। जरा इस पे नजर डालते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्टर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतर काजमी, हु इज अ मल्टी मीडिया जर्नलिस्ट एंड अ फॉर्मर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट विद बीबीसी। थोड़ी देर में अतर हमें ज्वाइन करेंगे। जमील साहब से आगाज करते हैं जी गुफ्तगू का। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर जमील, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग यू नो टाइम फॉर अस दिस मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि जो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी यूके में चल रही है, कहा जा रहा है इसका सबसे ज्यादा फायदा किसी को भी नहीं होने वाला बल्कि नुकसान इसके काफी होने वाले, आप इस पे क्या तजिया रखते हैं? जी, यूके भी मल्टीपल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल टर्मोइल, रेजिग्नेशन ऑफ 50 लॉ मेकर्स एंड द ऑफिशियल्स, ऑल दीज कंबाइंड टुगेदर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। एक ऑलरेडी ढलती मईशत पे, मखदूश मईशत जो बढ़ती होती जा रही है, जो आपने खुद तस्करा किया कि पहली दफा यूके में जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, एक नारा आजकल चल रहा है कि ईट और हीट, यानी ये नारा चल रहा है पूरे यूके में कि खाओ या अपने लिए घर को गर्म करने के लिए, जिंदा रहने के लिए दोनों में से एक का च्वाइस करो, यानी मरना दोनों में है। इसलिए कि लोग अब 13% वहां इन्फ्लेशन है इस वक्त, और इस वक्त लोग कह रहे हैं, अभी फिगर सही नहीं है पूरी, कि 50-60% के करीब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से लोगों का एक सोशल फैब्रिक उधर तबाह हो गया है। ब्रेक्सिट और कोविड ने तो जो तबाही पूरी दुनिया में मचाई सो मचाई, उसके अलावा जो इसका आपने तक तस्करा किया, पॉलिटिकल टर्मोइल, रेजिग्नेशन, और जो इस वक्त इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज की वजह से हो रही है, और अब तक प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया है, 5 सितंबर को होगा, और फिर उसके बाद इलेक्शन उनके पास भी आने वाले हैं, वो भी एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या चेंज होगी। इसका तमाम का तमाम असर उनके अवाम पर पड़ रहा है, जिस तरह पर यहाँ पड़ रहा है पाकिस्तान में हमारी तमाम पॉलिटिकल मामलात। हम भी एम्बेसडर जी जमील, एक और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि बिलियनर्स लिक्विडिटी फंड BLF का अनाउंसमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये भी देखने में आ रहा है कि जो बड़े बिलियनर ग्रुप्स हैं ऑफ इंडिया, वो इस वक्त एक बाइंग स्प्री पर हैं यूके में, चाहे वो लैंड की बात की जाए, टेस्को की बात की जाए, बूट्स की बात की जाए, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज दैट ऑपरेट आउट ऑफ यूके, उसमें बड़ी अच्छी पोजिशन पे इंडियंस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल बरतानिया में, यूके में हो रही है, इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो इंडिया को होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, यकीनन, क्योंकि इंडियंस की वहां एक कसीद तादाद है, उसके बाद पाकिस्तानियों की, और वो वहां उनके पास काफी मालो दौलत है, जिसकी वजह से ऐसा जब रिसेशन आता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के कहने के मुताबिक ये बहुत खतरनाक रिसेशन है, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि 2 साल से पहले इसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी, GDP मजीद गिरेगा उनका, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिपोर्ट है। ऐसी सूरत में जाहिर है प्राइसेस नीचे आएंगी, जब प्राइसेस नीचे आएंगी तो जिनके पास पैसे हैं, इंडियन कम्युनिटी इस मामले में पैसे जोड़ कर रखती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूके में, क्योंकि मैंने वहां तालीम हासिल की है, मुझे इल्म है, वो इस मामले में बड़े फ्राफिल हैं और पैसे अपने खर्च कर देते हैं ज्यादातर, तो उस लिहाज से इंडियन कम्युनिटी इस वक्त वहां
काफी ज्यादा आपने जो सस्ती चीजें मिलेंगी, चाहे वो मालो दौलत हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, उसमें यकीनन उनका एक बहुत बड़ा, और या उसके एग्रीकल्चर हो खासतौर पर सिख कम्युनिटी, तो वो उसमें उनका एक बहुत बड़ा अमल दखल आ जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि मजीद इन्फ्लुएंस उनका बढ़ जाएगा। जब उनके पास ये एसेट्स होंगे तो उनका इन्फ्लुएंस भी मजीद बढ़ जाएगा। अच्छा, हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं एम्बेसडर साहब अथर काजमी साहब से, हुज़ अ जर्नलिस्ट और वो इस वक्त बरतानिया में ही मुकीम है, तो मैं चाहती थी कि उनका इनपुट भी इसमें आए। लेकिन मुझे बताइए कि एक और बड़ी परेशान कुन बात यह है कि बरतानिया की जो सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है वो उनके इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे हम अपने इदारों की बात करते हैं, एंड ऑफकोर्स बींग अ वेलफेयर स्टेट उनके लिए ब्रिटिश काउंसिल जो पूरी दुनिया में तालीम के हवाले से काम करता है, NHS जो कि उनकी हेल्थ सर्विसेज हैं, वहां पे एक बड़ी परेशान कुन ट्रेंड ये है कि देर इज एन एक्सडस, यानी जो बेहतरीन टैलेंट उनके पास मौजूद था, जो इम्पैक्ट वर्कर्स थे, जो डेवलपमेंट सेक्टर में लोग काम कर रहे थे, वहां से अब वो रिजाइन करके प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका कितना बड़ा धचका या इम्पैक्ट लगने वाला है जी एम्बेसडर साहब? उसमें NIH जी ऑलरेडी NIH का एक बहुत बड़ा उनका बजट कट आ चुका है जी। और उसके बाद अगर टैलेंट्स भी उसमें से निकलना शुरू हो गए, टैलेंट्स भी उनके पास से एकदम फ्लाइट ऑफ टैलेंट्स हो गया वहां से, तो यकीनन उसका इम्पैक्ट इलाज मॉलेजे और बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस पे पड़ेगा वहां। और जब बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन पर पड़ेगा तो जो उनसे मुंसलिक हैं ममालिक, जो वहां की आवाम है, वो उस पर यकीनन बहुत ज्यादा सफर करेगी। और ये आप हम अपने मुल्क में देख लें, जो टैलेंट हमारे पास से, फ्लाइट ऑफ टैलेंट्स है हमारे पास से, उससे हमारी जो सूरत हाल है, हमारे दिए हुए मारूजाती हालात में, तो वो आप अंदाजा करें कि वो इतनी रोबस्ट इंस्टीट्यूशन, रोबस्ट प्रोसीजर्स, रोबस्ट इकोनॉमी, उस सूरत में उनको भी ये इम्पैक्ट वहां के अवाम को फील होना शुरू हो गया है, और वहां से ऐसे ही वाइब्स आ रही हैं, यही चीजें रेजोनेट हो रही हैं वहां से, जिसका मतलब ये हुआ कि आइंदा जो पॉलिटिकल शेपिंग होगी वहां, यानी कि जो उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के इलेक्शन आएंगे, उसमें इस वक्त तो उनके पास 365 सीटें हैं तकरीबन 650 सीटों में से, तो महसूस ये होता है कि जो लोगों को इम्पैक्ट पड़ा है ब्रेक्सिट का, और उसके बाद ये जो महंगाई का, रिसेशन का, फ्लाइट ऑफ टैलेंट्स का, फ्लाइट ऑफ कैपिटल का, इन तमाम चीजों को अगर मजमूई तौर पर अहाता किया जाए, तो उससे फिर अंदाजा ये होता है कि आगे पॉलिटिकल टर्मोइल इनका बढ़ेगा। आपको लगता है कि ये बिकॉज आप पूरे इस खित्ते के जो यू नो सिचुएशन है उस पर भी नजर डाले हुए हैं, मुझे ये बताइएगा कि क्या इज इट अ वे ऑफ टीचिंग अ लेसन, क्योंकि कई दफा ये बात की जाती थी कि यूके को वार्न भी किया था कि ब्रेग्जिट के बाद आपके पास जो आप पे नतायज मुरतब होंगे वो संगीन नौयत के होंगे। तो आपको लगता है कि अब जबकि बरतानिया एक शदीद माशी बहरान की तरफ जा रहा है, क्या उसको यूरोप की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगी या एक स्नूटी बिहेवियर मिलेगा कि जी जो किया है उसको भुगतो? नहीं तो यूरोप खुद इस वक्त खासतौर पे यूक्रेन के बाद, बाकी अवामिल तो कॉमन है, कॉमन है, कोविड का अवामिल कॉमन है, रिसेशन का अवाम जो अमल है, अंसर है, वो कॉमन है, लेकिन जो यूक्रेन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यूरोप पे पड़ रहा है, और उस इम्पैक्ट पर इस दफा आप देखेंगे कि वहां इतनी भौचाल आएगी पॉलिटिकल भी, क्योंकि लोग सर्दी में मरना शुरू हो जाएंगे, और सर्दी क्योंकि हीटिंग के लिए उनके पास यूटिलिटी बिल देने के लिए पैसे नहीं होंगे, लिहाजा वो मरना शुरू हो जाएंगे, खाने के लिए, खुराक के लिए उनके पास ज्यादा सोशो इकोनॉमिक उनके जो है सिलसिला वो उनका खराब होना शुरू हो जाएगा, तो उसके जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इतनी उनके पास नहीं होगी, जिसकी वजह से जो भी पॉलिटिकल वहां भी नतीजे आएंगे उसमें भी एक भूचाली की हालत होगी, उसमें भी एक टर्मोइल होगा, और बहुत सारी तब्दीलियां आपको नजर आएंगी। यूके में इस वक्त वहां डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई है पेंशनर्स के, और आप देखेंगे कि मजीद डेमोन्स्ट्रेशन वहां शुरू हो जाएगी यूके में, क्योंकि वहां से यही वाइब्स आ रही हैं। और यूरोप में आप देखेंगे कि कुछ अरसे में जब जैसे जैसे सर्दियां शुरू होंगी, तो आप देखेंगे कि वहां लोगों की कितनी ज्यादा
इसमें आवाज वासिरा साहब, मैं जरूर चाहूंगी कि आप इस पर भी कमेंट करें कि पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात पे इसका क्या असर पड़ेगा, यानी पाकिस्तान और बरतानिया के बीच में जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल दोनों ही ममालिक फेस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आई रियली विश, आई डोंट नो, मुझे कोई इतला नहीं मिल रही है इस वक्त के अथर काजमी साहब से हमारा रब्ता क्यों नहीं हो पा रहा, बट प्लीज डू कॉमेंट के वट विल बी द इम्पैक्ट डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशन पे। देखें, जब किसी मुल्क के हालात मखदूश हों और उसके बाद पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो जाए तो वहां स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी शुरू हो जाती है कि जब पाकिस्तान को जिस वक्त सफारती ताल्लुकात हैं वो तो एक बड़े स्ट्रक्चर्ड किस्म के यूके से हमेशा हमारे सफारती ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जो पार्टियां आ रही होती हैं उनके लीडरान से हम पसे पर्दा और वैसे उनसे हम रबते रखते हैं कि जो भी आगे आए, जैसे कि इस वक्त महसूस हो रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी वैसे तो काफी मकबूल पार्टी थी 2019 में और इसीलिए उन्होंने 358 सीटें हासिल की थी 650 में से। इस दफा जो वहां से ये तमाम अवामिल जिसका मैंने जिक्र किया है और आपने हमने डिस्कस किया है, इन अवामिल की वजह से महसूस होता है कि इस पार्टी का जीतना मुश्किल हो जाए। इसका मतलब सफारती लिहाज से क्या हुआ कि हमें जो स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी तनाव की सूरत हाल तो इसकी अपनी लीडरशिप की बहस पर है। वी डोंट नो हु इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द टोरीज। अदर साइड अभी तो महसूस हो रहा है कि उनकी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो 5 सितंबर को, क्योंकि वो भी काफी गेन कर गई है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो तो ये तो खैर एक टेम्पररी फेज है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी अगला इलेक्शन आ रहा है उसके तरफ भी मेरा इशारा है। और ये जितना जितना डिले होता जाएगा इनके 5 सितंबर तक, उसमें आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टिनिटी है वो बढ़ती जाएगी और पहले से ही वहां के अपने लोग, जिस तरह पाकिस्तान में यहाँ के अपने लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसी तरीके से जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है यूके में वो भी अब उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वहां की मईशत को मजीद धचका लगना शुरू हो गया है। तो जिस वक्त रिपल इफेक्ट होता है इसका, जब एक सीढ़ी और एक सीढ़ी टूटती है तो बाकी उसके जो सीढ़ियां हैं वो भी टूटना शुरू हो जाती हैं, तो लिहाजा उसकी वजह से वहां मजीद दर्जा ब दर्जा इसमें तनजुली आती जाएगी। और हमारी खारजा पॉलिसी का जहां तक ताल्लुक है, जाहिर है डिफेक्ट हमें बहुत सारे मामलात में हमारे साथ मुआवनत करता है डिफेक्ट, तो लिहाजा डिफेक्ट उनके सबसे बड़ी एजेंसी है जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए और वैसे बाकी प्रोग्रामों के लिए। देखिए, इसमें जो दो चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा कंसर्निंग होनी चाहिए एम्बेसडर साहब, एंड आई रियली वांट योर कमेंट ऑन इट, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि देर इज अ ह्यूज इंडियन इन्फ्लुएंस, और यकीनन इंडिया की अगर हम खारजा पॉलिसी की बात करें तो उनकी हमेशा कोशिश रहती है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। डेवलपमेंट सेक्टर, जहां हमने कहा जहां इम्पैक्ट लाया जा सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, आपने खुद डिफेक्ट की बात की, इसके अलावा एनएचएस की, ब्रिटिश काउंसिल की बात की, ऑब्वियसली पाकिस्तान विल प्रोबेबली गो डाउन इन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज बिकॉज ऑफ द इंडियन इन्फ्लुएंस ओवर देयर। इसके अलावा इतलात इस वक्त ये भी कह रही हैं कि देर इज ऑलरेडी बिन अ साइंड अग्रीमेंट कि जी अगर कोई भी पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी है जिसका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया जाता है तो उसकी डिपोर्टेशन लाजमी होगी, उसको वापस वतन भेज दिया जाएगा। इस पर आपके कॉमेंट्स, बाय द वे ये उन्होंने इंडिया के साथ नहीं किया लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल है। पहले भी हमने देखा था कि कोविड के दौरान भी जब हमारे नंबर्स बहुत बेहतर थे बाकी ममालिक से, हम उस वक्त भी रेड जोन में थे। इस बारे में मैं आपका कॉमेंट चाहूंगी एम्बेसडर साहब। देखिए, होता ये है, चाहे आप यूएस की बात कर लें, यूके की बात कर लें, यूएस में आप इसको इस तरह कंपेयर कर लें अमरीका में, कि वहां के स्टेट डिपार्टमेंट में हमारे जस्ट एक दो शख्सियत हैं, वो भी किसी बहुत कलीदी पौधे पर नहीं है, जबकि इंडियन निजात वहां वो अंडर सेक्रेटरी जनरल, अंडर सेक्रेटरी लेवल पर वहां पहुंच चुके हैं। तो जाहिर उनका इसी तरीके से यूके में होम डिपार्टमेंट, आपके सवाल का जवाब, होम डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो कसीर तादाद है इंडियन निजात वहां की ऑफिशियल्स की। तो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो एक नर्म गोशा हो जाता है इंडियन की तरफ, इंडियंस की तरफ, और पाकिस्तानियों की तरफ को नर्म गोशा नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि उनके केसेस ज्यादा रिजेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू रिजेक्शन ऑफ
the cases of other communities and others member of the other society, जिसकी वजह से बिल्कुल सही एम्बेसडर साहब. सो दिस इज मोर रीजन वाई वी नीड टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, बिकॉज इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान नीड्स टू हैव अ स्ट्रांग इन्फ्लुएंस. अगर हमें बहुत सारे बैरूने यानी अगर फॉरन रिलेशन के मामला की बात की जाए और अपने इमेज की बात की जाए, वी नीड टू पुट आर हाउस इन ऑर्डर, बिकॉज अदरवाइज यू नो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड इंटरनेशनली. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए. एक छोटा सा ब्रेक, हम विल बी राइट बैक.